कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग के गृह क्षेत्र मंदसौर जिले की सुवासरा विधानसभा के शामगढ़ में टीसीएफ में 28 करोड़ की लागत से बना 1 किलोमीटर लंबा रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के मैच 6 माह बाद क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे निर्माण की पोल खुल गई है। इस ओवरब्रिज के बनाए जाने से स्थानीय लोगों में बड़ी खुशी थी, जिसे ग्रहण लग गया है। दरअसल ब्रिज का कुछ हिस्सा धस गया है, ब्रिज के नीचे बैठे लोगों का ध्यान इस पर गया तब मामला उजागर हुआ। उक्त निर्माण में भ्रष्टाचार होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि इस ओवर ब्रिज में लोकार्पण से पहले ही दरारें आ गई थी, लेकिन जिम्मेदारों ने लीपापोती कर कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग और सांसद सुधीर गुप्ता सहित कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में लोकार्पण करा दिया। लोगों का आरोप है कि ब्रिज के निर्माण में इंजीनियर द्वारा लापरवाही और भ्रष्टाचार किया गया है, जिस कारण से थोड़े ही समय में यह ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि खबर फैलते ही ब्रिज की मरम्मत का कार्य भी शुरू करने की बात सामने आने लगी है। साथ ही एसडीओ नरवरे सहित अन्य कर्मचारियों ने मौका मुआयना भी किया और स्वयं कार्य में भ्रष्टाचार और लापरवाही की बात मीडिया के सामने स्वीकार की। बहरहाल अब देखना यह है कि इस लापरवाही में प्रशासन किसको दोषी मानता है। वहीं कांग्रेसियों ने भी विरोध जताते हुए ब्रिज में धसे हुए स्थान पर पहुंचकर नारेबाजी की है। कॉम्पेक्शन की कमी के कारण इसमें इस प्रकार की स्थिति बनी है, तो इसके अब स्लेब निकाल के वापस इसे स्लेब डाली गई। नहीं तो इसमें किस प्रकार से लग रहा है आपको, अगर कभी कोई जनहानि हो जाती तो क्या होता फिर? हाँ गलती तो है। किसकी गलती मानते हैं आप इसमें? देखा होगा आपने इसको। नहीं, हमें थे इसमें। अच्छा अच्छा